अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ायज़ा किरमानी बीएस कंप्यूटर साइंस के कोर्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में फ़ाइल्स कैसे क्रिएट और राइट की जाती हैं और उन फ़ाइल्स को कैसे रीड किया जाता है। इसके अलावा सब डायरेक्ट्री की क्रिएशन और डिलीशन के साथ साथ हम फाइल डिलीशन और फाइल रीनेमिंग पर भी डिस्कशन करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर अमजद मौजूद हैं, आइए डॉक्टर अमजद की तरफ चलते हैं। शुक्रिया फ़ायज़ा। नाज़रीन, फाइल इनपुट आउटपुट को डिस्कस करने से पहले हम तीन अहम टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करेंगे जो कि हम अपनी बाकी की सारी डिस्कशन में बार बार इस्तेमाल कर रहे होंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि ASCII जेड स्ट्रिंग से हमारी क्या मुराद है। ASCII जेड इस स्ट्रिंग को कहते हैं जो हैक्स ज़ीरो से एंड होती हो, यानी स्ट्रिंग का आखिरी करैक्टर या बाइट ज़ीरो होती है, जैसा कि आप इन एग्ज़ाम्पल्स में देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एफ नेम वन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बाइट टाइप, और उसकी जो वैल्यू हमने लिखी है दैट इज़ सी फाइल वन डॉट टेक्स्ट, और ये स्ट्रिंग एंड हो रही है 00h पे, यानी इस स्ट्रिंग का जो लास्ट करेक्टर है या लास्ट बाइट है दैट इज़ 0h, इसलिए ये स्ट्रिंग ASCII जेड स्ट्रिंग कहलाएगी। इसी तरह फाइल नेम टू एक दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है बाइट टाइप का, और इसके लिए हमने ये इनिशियल वैल्यू दी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग भी 0h पे एंड हो रही है, इसलिए ये भी ASCII जेड स्ट्रिंग कहलाती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टर्म फाइल पॉइंटर कहलाती है। फाइल पॉइंटर एक ऐसा लॉजिकल पॉइंटर है जो फाइल की इस पोजीशन को पॉइंट करता है जहां से नेक्स्ट रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन होना होता है। जब हम फाइल ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली फाइल की बिगनिंग को पॉइंट कर रहा होता है। जब आप नेक्स्ट रीड करेंगे तो फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली फाइल की नेक्स्ट पोजीशन पे मूव कर जाएगा, और इसी तरीके से ऑन एवरी रीड और राइट फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करता है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। ये हमारे पास एक फाइल है जिसमें कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है। जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल पॉइंटर फाइल की बिगिनिंग यानी ए को पॉइंट कर रहा होगा। जब आप करेक्टर ए रीड कर चुकेंगे तो फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली बी को पॉइंट करेगा, उसके बाद सी को, डी को, और इसी तरीके से जब डी रीड हो चुका होगा तो फाइल पॉइंटर करेक्टर ई को पॉइंट कर रहा होगा। तो फाइल पॉइंटर बेसिकली फाइल की उस पोजीशन की तरफ पॉइंट करता है जहां पे नेक्स्ट रीड या राइट ऑपरेशन होना होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो डिस्क आईओ की डिस्कशन में बार बार सुनेंगे वो फाइल हैंडल की है। जब भी हम एक डिस्क फाइल को क्रिएट या ओपन करते हैं तो सिस्टम हमें एक यूनिक वन वर्ड नंबर रिटर्न करता है जो कि हम तमाम फॉलोइंग रीड या राइट ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इंटरप्ट 21H जो कि फाइल क्रिएशन डिलीशन रीड और राइट के लिए इस्तेमाल होता है कि जब भी आप इस इंटरप्ट को इस्तेमाल करते हुए फाइल को ओपन करेंगे रीड करेंगे तो फाइल पॉइंटर आपको कैसे मूव करेगा और फाइल हैंडल किस रजिस्टर में रिटर्न किया जाएगा। इस फाइल हैंडल को इस्तेमाल करते हुए हम बाकी सारे के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब हम देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में आप एक नई फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए आपने इंटरप्ट 21H का फंक्शन 3CH इस्तेमाल
करना होता है। इंटरप्ट 21H फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले जो रजिस्टर्स की वैल्यू आपने सेट करनी है वो कुछ इस तरह होंगी। रजिस्टर AH की वैल्यू 03CH होनी चाहिए और याद रहे कि ये H denotes that this number is an hexadecimal number। उसके बाद रजिस्टर DS and DX they must be pointing to an ASCII Z string। CX register में आप फाइल एट्रीब्यूट मूव करते हैं। अगर CX register की वैल्यू 00H है इट मीन्स कि ये एक नॉर्मल फाइल है। अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू 01 हो तो ये रीड ओनली फाइल होती है। अगर CX की वैल्यू 02 हो तो हिडन फाइल होगी। और अगर आप CX की वैल्यू 04 सेट करते हैं तो इट मीन्स कि ये एक सिस्टम फाइल है और आम तौर पे CX की वैल्यू 4 बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। ये रजिस्टर सेट्स करने के बाद आप इंटरप्ट 21H को कॉल करते हैं जिसके नतीजे में एक फाइल क्रिएट होगी और इसकी कंप्लीशन पे जो रजिस्टर्स की वैल्यू हैं वो कुछ इस तरह होंगी। रजिस्टर AX विल हैव द फाइल हैंडल अगर CF की वैल्यू 0 है, अदरवाइज AX की वैल्यू कोई एक एरर कोड होगा अगर CF की वैल्यू 1 है। यानी जब भी आप इंटरप्ट 21H की सर्विस 3CH यूज़ करते हैं अगर इंटरप्ट 21H सक्सेसफुली उस फाइल को क्रिएट कर ले तो AX में आपको फाइल हैंडल मिलता है, अदरवाइज AX की वैल्यू एक प्री डिफाइंड नंबर होगा जिससे आप ये देख सकते हैं कि किस वजह से वो फाइल क्रिएट नहीं की जा सकी। आइए आप फाइल क्रिएशन के लिए असेंबली लैंग्वेज का कोड देखते हैं। नाज़रीन आइए देखते हैं कि हम असेंबली लैंग्वेज कोड का इस्तेमाल करते हुए डिस्क पर फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम डेटा सेगमेंट में फाइल नेम डिफाइन करते हैं। इस एग्जांपल में फाइल नेम f1.txt है जो कि ड्राइव सी पर क्रिएट होगी। इसके अलावा हमने एक वर्ड टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें फाइल हैंडल की वैल्यू स्टोर करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम रजिस्टर AH में 3CH और रजिस्टर CX में 0 मूव करते हैं। इसके बाद फाइल नेम का एड्रेस रजिस्टर DX में लोड करने के बाद int 21H को कॉल करते हैं जिसके नतीजे में फाइल क्रिएट होती है। अगर int 21H किसी भी वजह से फाइल क्रिएट करने में सक्सेसफुल ना हो तो कैरी फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाती है, इसलिए हमने JC इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल किया है ताकि किसी भी एरर की सूरत में हम एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। अगर फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तो int 21H रजिस्टर AX में फाइल हैंडल की वैल्यू रिटर्न करता है जिसको हम अपने वेरिएबल फाइल हैंडल में सेव कर रहे हैं ताकि बाकी प्रोग्राम में जहां हमें फाइल हैंडल की ज़रूरत हो हम वेरिएबल फाइल हैंडल से उसकी वैल्यू को इस्तेमाल कर सकें। जब आप किसी फाइल को प्रोसेस कर लेते हैं तो उसको आखिर में क्लोज किया जाता है। ओपन फाइल को क्लोज करने के लिए आप इंटरप्ट 21H का फंक्शन 3EH इस्तेमाल करते हैं जिसमें मुख्तलिफ रजिस्टर्स की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी। इंटरप्ट 21H फंक्शन 3EH इस फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले रजिस्टर AH की वैल्यू 03EH होनी चाहिए और रजिस्टर BX में आपने फाइल हैंडल को मूव करना है। इंटरप्ट 21H की कंप्लीशन पे रजिस्टर AX की वैल्यू फाइल हैंडल के बराबर होगी अगर CF फ्लैग की वैल्यू 0 है, अदरवाइज AX में इंटरप्ट 21H एप्रोप्रिएट एरर कोड
रिटर्न करेगा। इसके लिए जो आप असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हमने AH रजिस्टर में 3EH मूव किया, उसके बाद फाइल हैंडल की वैल्यू जो हमने पहले ही अपने वेरिएबल फाइल हैंडल में स्टोर की हुई है उसको रजिस्टर BX में मूव किया, एंड देन वी कॉल्ड द इंटरप्ट 21H। उसके बाद हमने जंप कैरी इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल किया है कि अगर किसी वजह से ये फाइल क्लोज ना की जा सके तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी और उस केस में हम किसी प्रॉपर लोकेशन पे कोई सा भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं जो कि आम तौर पे एरर मैसेज की शक्ल में होता है। आइए अब हम देखते हैं कि आप फाइल में डेटा किस तरह स्टोर करते हैं। किसी भी ओपन फाइल में डेटा स्टोर करने के लिए आप इंटरप्ट 21H का फंक्शन 40H इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ रजिस्टर्स की वैल्यूज कुछ इस तरह से होंगी कि जब भी आप इंटरप्ट 21H फंक्शन 40H इस्तेमाल करें तो उससे पहले रजिस्टर AH की वैल्यू 40H सेट करें। BX रजिस्टर में आपने फाइल हैंडल को मूव करना है, जबकि रजिस्टर CX में आपने नंबर ऑफ बाइट्स जो कि आप फाइल में स्टोर करना चाहते हैं वो मूव होना चाहिए, और DS और DX रजिस्टर पॉइंट कर रहे होंगे उस डेटा को जो कि आपने फाइल में स्टोर करना है। ये वैल्यू सेट करने के बाद आप इंटरप्ट 21H को कॉल करेंगे। इंटरप्ट 21H की कंप्लीशन पे रजिस्टर AX में जो वैल्यू होगी वो इंडिकेट कर रही होगी कि एक्चुअली हाउ मेनी बाइट्स हैव बीन रिटन इनटू द फाइल, ऑफ कोर्स अगर CF की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है उसका मतलब ये होगा कि जो डेटा आप फाइल में स्टोर करना चाह रहे थे वो किसी वजह से स्टोर नहीं हो सका और उसका जो एरर कोड है वो रजिस्टर AX में स्टोर होगा। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि हम असेंबली लैंग्वेज कोड को इस्तेमाल करते हुए फाइल में डेटा कैसे राइट कर सकते हैं। फाइल राइट करने के लिए सबसे पहले हम 40H को रजिस्टर AH में मूव करते हैं। हम फाइल हैंडल की वैल्यू जो कि वेरिएबल फाइल हैंडल में स्टोर्ड है को रजिस्टर BX में मूव करते हैं। इसी तरह जिस डेटा को हम फाइल में स्टोर करना चाहते हैं उसके मेमोरी एड्रेस को हम रजिस्टर DX में लोड करते हैं, जबकि रजिस्टर CX में डेटा साइज को स्टोर करने के बाद int 21H को कॉल करते हैं, जिसके नतीजे में वो डेटा जिसको रजिस्टर DX पॉइंट कर रहा होता है फाइल में स्टोर हो जाता है। किसी भी एरर से डील करने के लिए हम JC इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि int 21H एरर की सूरत में कैरी फ्लैग की वैल्यू को सेट कर देता है। आप अपने प्रोग्राम में ये भी चेक कर सकते हैं कि आया सारी की सारी बाइट्स सक्सेसफुली फाइल में राइट हुई हैं या नहीं, जिसके लिए हम कंपेयर AX256 की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सारी की सारी बाइट्स किसी भी वजह से फाइल में स्टोर ना हुई हो तो हम अपने प्रोग्राम के एरर हैंडलिंग कोड पर जंप करके कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। नाज़रीन, किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल से डेटा रीड करने के लिए हम इंटरप्ट 21H का फंक्शन 3FH इस्तेमाल करते हैं। इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ रजिस्टर्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट की जाती हैं। इंटरप्ट 21H के फंक्शन 3FH को इस्तेमाल करने से पहले आप AH में 3FH मूव करेंगे। रजिस्टर BX में फाइल हैंडल की वैल्यू होनी चाहिए। रजिस्टर CX में वो वैल्यू आप मूव करेंगे जो कि ये इंडिकेट करेगी कि आपने कितनी बाइट्स फाइल से रीड करनी है,
और रजिस्टर डीएस और डीएक्स कंबाइंड उस बफर को पॉइंट कर रहे होंगे जहां पे के वो डेटा जो आप फाइल से रीड करेंगे वो स्टोर होगा। उसके बाद आप इंटरप्ट 21H की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। इस इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के बाद AX इंडिकेट करता है कि एक्चुअली कितनी नंबर ऑफ बाइट्स रीड हुई हैं अगर CF की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर CF की वैल्यू 1 है तो उस केस में AX में एरर कोड स्टोर किया जाता है जिस पे आप कोई सा भी एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि हम असेंबली लैंग्वेज कोड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी फाइल से डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। फाइल रीड करने के लिए सबसे पहले हम 3FH की वैल्यू को रजिस्टर AH में मूव करते हैं। फाइल हैंडल की वैल्यू को हम रजिस्टर PX में मूव करते हैं। इसी तरह जिस वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं उसके मेमोरी एड्रेस को हम रजिस्टर DX में लोड करते हैं, जबकि रजिस्टर CX में नंबर ऑफ बाइट्स जो हम फाइल से रीड करना चाहते हैं को स्टोर करने के बाद int 21H को कॉल करते हैं। डेटा फाइल से वेरिएबल में कॉपी होता है। किसी भी एरर से डील करने के लिए हम JC इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने प्रोग्राम में ये भी चेक कर सकते हैं कि आया सारी की सारी बाइट्स फाइल से सक्सेसफुली रीड हुई हैं या नहीं, जिसके लिए हम कंपेयर AX0 की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि असेंबली लैंग्वेज में आप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, आप उसमें डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं और बाद में उस डेटा को आप फाइल से किसी भी वेरिएबल में कैसे रीड करते हैं। आइए आप असेंबली लैंग्वेज के कुछ और डिस्क ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आप एक नई सब डायरेक्टरी अपनी हार्ड डिस्क या किसी भी डिस्क के ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए असेंबली लैंग्वेज में आप कौन सा कोड लिखेंगे। किसी भी सब डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हम इंटरप्ट 21H का फंक्शन 39H इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्ट 21H को इस्तेमाल करने से पहले मुख्तलिफ रजिस्टर्स की जो वैल्यू होंगी वो कुछ इस तरह हैं। रजिस्टर AH में आप 39H मूव करते हैं और रजिस्टर DX पॉइंट कर रहा होता है एक ASCII Z स्ट्रिंग को जो कि बेसिकली पाथ नेम को डिफाइन करती है। उसके बाद आप इंटरप्ट 21H को कॉल करेंगे। इंटरप्ट 21H की कंप्लीशन पे अगर सब डायरेक्टरी किसी वजह से भी क्रिएट ना की जा सके तो AX में वैल्यू 3 या 5 स्टोर हो जाती है। असेंबली में इसके लिए इंस्ट्रक्शन जो आप लिखते हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये हमने न्यू सब डायरेक्टरी का नाम डिफाइन किया है जो कि आप देख सकते हैं कि ASCII Z स्ट्रिंग है और उसके बाद हमने इन रजिस्टर्स की वैल्यू को सेट किया है एंड देन वी मेड ए कॉल टू इंटरप्ट 21H। इसी तरीके से अगर आप कोई सब डायरेक्टरी हार्ड डिस्क या किसी भी डिस्क से डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंटरप्ट 21H का फंक्शन 3AH इस्तेमाल करते हैं। ये फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ रजिस्टर्स की जो वैल्यू आप सेट करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। रजिस्टर AH की वैल्यू 3AH होनी चाहिए और रजिस्टर DX विल हैव द एड्रेस ऑफ द ASCII Z स्ट्रिंग। उसके बाद आप इंटरप्ट 21H को कॉल करते हैं। इंटरप्ट 21H की कंप्लीशन पे कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी अगर डायरेक्टरी सक्सेसफुली रिमूव हो गई है, अदरवाइज AX की वैल्यू 3, 5 और 10 होगी डिपेंडिंग ऑन
कि वो सब डायरेक्टरी किस वजह से रिमूव नहीं हो सकी। असेंबली लैंग्वेज का कोड कुछ ऐसे होगा। अब आइए देखते हैं कि आप डिस्क पर से कोई भी फाइल कैसे डिलीट करते हैं। किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हम इंटरप्ट 21H का फंक्शन 41H इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट रजिस्टर्स की जो वैल्यू होंगी वो कुछ इस तरह हैं। रजिस्टर AH में 41H मूव करेंगे और DX विल बी द एड्रेस ऑफ द ASCII Z स्ट्रिंग, जो बेसिकली के उस फाइल का पाथ है जिस फाइल को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। देन यू मेक ए कॉल टू इंटरप्ट 21H। इंटरप्ट 21H एग्जीक्यूट होने के बाद अगर CF की वैल्यू ज़ीरो है, इट मींस कि वो फाइल सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। अदरवाइज AX की वैल्यू 2, 3 और 5 होगी, डिपेंडिंग ऑन के वो फाइल किस वजह से डिलीट नहीं हो सकी। इसके लिए असेंबली लैंग्वेज का कोड कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आइए आखिर में देखते हैं कि आप किसी भी फाइल नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज रीनेमिंग ऑफ ए फाइल और ए डायरेक्टरी। किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए आप इंटरप्ट 21H का फंक्शन 56H इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ रजिस्टर्स की वैल्यू कुछ ऐसे सेट की जाती हैं। रजिस्टर AH में आप 56H मूव करेंगे, जबकि DX विल बी पॉइंटिंग टू द स्ट्रिंग इंडिकेटिंग द ओल्ड फाइल नेम। और रजिस्टर ES और DI में आप उस स्ट्रिंग का एड्रेस मूव करेंगे जो कि न्यू फाइल नेम को पॉइंट कर रही है। उसके बाद आप इंटरप्ट 21H को कॉल करते हैं। इंटरप्ट 21H की कंप्लीशन पे अगर फ्लैग CF की वैल्यू ज़ीरो है, इट मींस के वो फाइल या डायरेक्टरी सक्सेसफुली रीनेम हो चुकी है। अदरवाइज AX की वैल्यू 2, 3, 5 और 11 होगी, डिपेंडिंग ऑन के वो फाइल किस वजह से रीनेम नहीं हो सकी, जिस पे आप कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज में फाइल्स कैसे क्रिएट और राइट की जाती हैं और इन फाइल्स को कैसे रीड किया जाता है। इसके साथ साथ हमने सब डायरेक्टरी की क्रिएशन और डिलीशन के अलावा फाइल डिलीशन और फाइल रीनेमिंग को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपने ये सब समझ लिया होगा। अब फायज़ा किरमानी और डॉक्टर अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।